पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली नवाब साहब पाकिस्तान का पहले प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा भी बेटे ऐसा है भी यहाँ पे माहौल ऐसे कोई पता नहीं किस टाइम मेरे को गोली मार दे तो मैं तेरे को कुछ न कुछ देना चाहता हूँ मैं मर गया तो मेरे बेटे तेरे को कुछ नहीं देंगे तो उसने एक मरबा जमीन उसको दी थी वहीं लाहौर में लाहौर में ठीक ना लायलपुर में अच्छा लायलपुर में एक मरबा जमीन दी थे तो वो अलग हो गए इतने में उनको गोली लगी इसमें कराची में 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 कौन से में लगी जी जी जी। तो वो में... हाँ, हाँ... में गया था किसी फंक्शन में वहाँ गोली लगी तो लियाकत लाक, अली साहब की फौत हो गई तो उसके बाद वो बिछड़ गए तो उसमें कहावत यही है भाई जिनके मर्जे बादशाह उड़ते फिरे वजीर अच्छा तो वो उनसे बिछड़ गए फिर उन्होंने कुछ दिन लिया लिया नवाब साहब के बेटे ने पुलिस में भी भर्ती किया फिर हाँ, जो बाद में दीन हाँ। अच्छा। पुलिस में भर्ती भी रहे कुछ दिन पाँच चार साल फिर बिल्कुल उनसे बिछड़ गए पटवारी के साथ रहे ठीक है फिर वो आता ऐहता लालपुर चले गए अच्छा फिर उनकी शादी भी उन्होंने करवा दी थी अच्छा इसके अली साहब के बेटों ने ठीक है तो वो कुछ में ब्याये हुए अच्छा हाँ अच्छा वो फिर अब उनके पांच छह बेटे बन गए बेटे पैदा हो गए खूब बड़ा परिवार बन गया आज आज सत्तर जी का मतलब सत्तर लोग हैं सत्तर लोग हैं जी अच्छा जी पूरा परिवार है बरत अच्छा फिर वो अपनी बीवी के सामने रोने लग गए जनाब जी रंभा के जो वीडियो आप लोगों ने पीछे देखे हैं उन वीडियोस के अंदर एक शख्स आपको हमेशा दिखाई दिया है वो है ये ऋषिपाल जी ऋषिपाल जी इस गांव के रहने वाले हैं लेकिन कहीं ना कहीं लायलपुर से यानी कि आज के फैजलाबाद से इनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं किस्सा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बाकी पूरी पुख्ता और डिटेल वाली जानकारी इनसे ये जो पूरा इलाका है ये नवाब लियाकत अली साहब का इलाका है Uh, इससे कुछ ही दूर पंद्रह बीस किलोमीटर के आसपास वो हवेली भी है जो मैंने आपको दिखाई थी जहाँ पे लियाकत अली साहब नाइनटीन टू लिखा हुआ है कलंदरी गेट में और अब इस कहानी का इस किस्से का लियाकत अली साहब के साथ कनेक्शन है नवाब लियाकत अली साहब का एक परिवार था उस परिवार के अंदर कुछ नुमाइंदे थे और उन्हीं नुमाइंदों में इनके परिवार के यानी कि इनके ताया जी मुलाजिम थे बहुत छोटी उम्र में आ, अब कहानी इनकी जबानी है आपके दाया जी की उम्र कितनी थी उस वक्त उस टाइम पंद्रह सोलह साल की उम्र थी नहीं जब वो उनके साथ जुड़े हुए उनके थे उनके साथ जुड़े पंद्रह सोलह साल की उम्र थी अच्छा तो वो अपने घर से नफरत करके उनके साथ ही जुड़ गए घर में रहने लग गए अच्छा तो ऐसा ऐसा उनके ऐसे रिलेशन बन गए कि वो उनके घर के मेम्बर ही बन गए तो ये 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 जो नफरत वाला आपने कहा ये क्या, क्या, क्या उस, हाँ। पहले, पहले हंसराज हंस था अभी क्या नाम है अभी दीन मोहम्मद दीन मोहम्मद तो हंसराज जी की भाभी जी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया ठीक है बड़े भाई साहब थे उन्होंने घर से निकाल दिया वो अमो पर अमोपुर मेले में चले गए अमोपुर आप गए थे हाँ ठीक है दो भाई थे अमोपुर मेले में चले गए वो एक भाई तो घर आ गया वापसी वो फिर वहां से किसी तांगे में खच्चर में बैठ के तो वो करनाल चला गया ठंडी सड़क पे अच्छा वहाँ पे एक मरूद की टोकरी लेके कोई बैठा हुआ था ठीक है तो वो कहने लगा भाई आप कहा से हो दिन छिपने को था जैसा अब टाइम टाइम हो रहा है तो वो कहने लगा भाई आप कहाँ से हो कहने लगे मैं तो मेरा आगे पीछे कोई नहीं है मैं तो सुबह भूखा हूँ कल कल सवेर का कि एक दो दिन, दिन लड़ाई आ, करके निकले हाँ। है। वो कहने लगा अभी चल कोई बात नहीं मरूद की टोकरी लिए बैठे ना दो मरूद काट के नमक लगा के उसको दे दिया ठीक है हंसराज अच्छा, को को ठीक है अच्छा वो ख्वा खुए कह लगा भाई तेरे को मैं कहीं से टिकाना बनाऊँ तो चलोगे कह लगा भाई मेरा टिकाना बना दे मैं टिकाना चाहता हूँ मैं ढूंढता फिर तो वो जनाब लियाकत अली नवाब साहब के घर छोड़ा है तो उन्होंने वहाँ घोड़े पे हाथी भी थे उनके वो तो उस टाइम के राजा थे बादशाह थे उन्हें घर में छोड़ आए लेकिन तब उनका घर कुंजपुरा में कुछ ना 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 अच्छा यही करनाल में ही था था कलंद्री गेट कलंद्री गेट में था। अच्छा, में अच्छा ठीक है उन्हें घर छोड़ा वो ऐसे ही गुड़ मिल गए उनके घर के मेम्बर बन गए फिर लियाकत अली नवाब ने उनको अपना बेटा ही बना लिया ठीक है फिर वो पार्टीशन के टाइम वो उनके साथ ही चले गए थे तो इस दरमियान पार्टीशन से पहले और वो लड़ाई झगड़े के दरमियान कितने साल का दौर था

लाहौर में चले गए तो उन्होंने पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली नवाब साहब पाकिस्तान का पहले प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा भाई बेटे ऐसा है भाई यहाँ पे माहौल ऐसे कोई पता नहीं किस टाइम मेरे कोई गोली मार दे तो मैं तेरे को कुछ न कुछ देना चाहता हूँ मैं मर गया तो मेरे बेटे तेरे कुछ नहीं देंगे नहीं। तो उसने एक मरबा जमीन उसको दी थी वहीं लाहौर में लाहौर में ठीक ना

कुछ दिन लियाकत लिया लिया नवाब साहब के बेटे ने पुलिस में भी भर्ती किया फिर पुलिस की भर्ती हाँ जो बाद में बन गए मोहम्मद अच्छा पुलिस में भर्ती भी रहे कुछ दिन पाँच चार साल फिर बिल्कुल उनसे बिछड़ गए एक पटवारी के साथ रहे ठीक है फिर वो आहिस्ता ऐसा लालपुर चले गए अच्छा फिर उनकी शादी भी उन्होंने करवा दी थी अच्छा इसके लियाकत अली साहब के बेटों ने ठीक है तो वो कुछ में ब्याये हुए हैं अच्छा हाँ अच्छा वो फिर अब उनके पांच-छह बेटे बन गए बेटे पैदा हो गए खूब बड़ा परिवार बन गया आज आज सत्तर जी का मतलब सत्तर लोग हैं सत्तर लोग हैं जी अच्छा जी पूरा परिवार है भटतकता अच्छा फिर वो अपनी बीवी के सामने रोने लगे अंधेरे में बैठे रो रहे थे उसकी जो बेगम थी वो कहने लगे भाई क्या बात क्यों रोते हो वो कहने लगे भाई ऐसे ऐसा मेरे को इंडिया वाले जो मेरा परिवार था याद आ एक मिनट एक मिनट ये तो बात होगी उनके आखिरी दिनों की हम्म ये कितने साल पहले की बात है जब ये, ये ये वाली पैंतीस छत्तीस साल रहे पैंती, रहे? की बात है आज है? से पैतीस छत्तीस साल पहले आ, साल की अच्छा पैतीस साल की उम्र में एक दिन हमारे दिन मोहम्मद साहब रोने लगे अकेले में नहीं नहीं हाँ वो तो उस टाइम उस टाइम उस टाइम तो हो गए साठ सत्तर साल की उम्र में जब रो रहे थे साल के जब रो रहे थे हाँ मतलब आज से पैतीस छत्तीस साल पहले और अपनी उम्र के साठ सत्तर साल यही ना हाँ अच्छा दिन मोहम्मद क्यों रो रहे हो उन्होंने बताया कि जनाब मेरा आगे क्या परिवार याद आ रहा पिछला अच्छा तो उसने कहा भी मेरे को सब खोल के बता भी क्या हुआ हाँ, था हाँ। उन्होंने कहा भी जिला करनाल के अंदर गांव रंबा में मेरा परिवार है ठीक है तो मैं उनको मिलना चाहता हूँ उन्होंने फटाफट उनको बिचाओ चढ़ गया परिवार मिल गया तो उन्होंने पासपोर्ट बनवाया उनका वीजा लगवाया उसका बेटा और उसकी बेगम उसके साथ आए ठीक है, है। यहाँ एक महीना रहे रंबा में रंबा में कौन से सन में आए थे वो वो जी आज से ती, तीस बत्तीस साल पहले आए बत्तीस साल पहले ठीक ठीक है नाइन्टीज मतलब नब्बे बानवे के दौर में आए हाँ नब्बे बानवे के दौर में तैतीस साल हो गए जी ठीक है तेतीस साल हो गए ठीक है एक महीना रहे एक महीना रहे पूरे। पूरे में में अच्छा। जा, जा उनकी थी उनके सब के दर्शन और वो भाई भी अच्छा। अच्छा फोत, हाँ। फोत हो गया था गुस्सा उस घर में गुस्सा इतना था उसके अंदर भी आज तक भी उस घर में नहीं गए उसके बाद भी दो बार आए वो अच्छा तो अब फिर मेरे ख्याल ऐसे चौदह साल पहले फिर आए थे हम्म ये आए थे सन 2003 4 5 बस ऐसे ही हाँ ऐसे गा लो अच्छा ऐसे 13 चौदह साल पहले आए थे ठीक है तो वो फिर दीन मोहम्मद बन गए दीन मोहम्मद बनके ठीक है उनका बेटा आया था उसका नाम था मोहम्मद सैन ठीक है और वो फिर एक महीना फिर रहे हम्म फिर वापस चले उसके बाद फिर वो जब

हमारा तो हिस्सा पाकिस्तान में भी है बिल्कुल जी, तो तो हमें तो कोई बात नहीं भी हमें इतने पाकिस्तान इतने नहीं। क्यों हमारे परिवार पाकिस्तान में भी रहता है तो वो कहने लगे भी चल कोई बात नहीं उसके बाद फिर उनके साथ कोई बात नहीं, नहीं। थोड़े दिन के बाद उनकी फौत हो गई दोनों की फौत हो गई ये कहानी थी जनाब कहानी भले छोटी थी लेकिन ऐसा लग रहा है सुबह से रात हो गई है अब देखिए कैमरे की लाइट कितनी डार्क हो चुकी है और हमारी कहानी भी ख़त्म हो चुकी है लेकिन ऐसी कितनी कहानियाँ हैं जिनको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है ऐसे ही कितने घरों के अंदर वो कहानियाँ कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुलबुलती हैं सिसकती हैं सबकती हैं ना सरगोशियाँ सी करती हैं कि कोई मुझे सुने और औरों को भी सुनाए क्योंकि रिश्ते बिखर गए थे 47 में अभी बातचीत होती रहती है उनके साथ अच्छा हां पूरे परिवार के साथ पूरे है? परिवार के साथ बहुत खुश होकर मिलते हैं वो चलिए जी बड़ी अच्छी बात है रिश्ते बने रहने चाहिए उन्होंने पीछे आने की हिम्मत भी करी फिर ये मतलब वीजा नहीं मिला उनको चार जने वहां पे जो है ना दरगाह है ना जो अजमेर शरीफ अजमेर शरीफ जी वहाँ जाना चाहते थे वो ठीक है भी एक दो दिन आपके पास रुकेंगे हम तो ये हफ्ते का टूर था उनका ठीक है वीजा ही था तो फिर वो वीज़ा नहीं मिला उनको इंडिया का नहीं मिलेगा अभी जो हालात है उन वजह से भी नहीं मिल रहा बहुत टाइम से लेकिन यही तो वो हिंदुस्तान है और वही वो, वो पाकिस्तान है जहाँ पे एक वक्त था पार्टीशन के कम से कम चालीस साल बाद तक लोग बेधड़क आया जाया करते थे और पच्चीस साल तक तो वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं थी Uh, कितनी कहानियाँ हम लोगों ने ऐसी सुनी हैं आप लोगों ने हमें बताई हैं हमने आपके साथ शेयर किए हैं उन कहानियों के अंदर कि हाँ जी यूँ रेंगते हुए जाते थे और यूँ ही रेंगते हुए वापस आते थे लेकिन जाते थे खाली हाथ और आते थे सामान लेके क्योंकि यहाँ से बड़े सारे परिवार अपना सामान लेके वापस आए हैं और वहाँ से बड़े सारे परिवार ऐसे हैं जो यहाँ आए हैं खाली हाथ और यहाँ से चीज़ें लेके गई हैं और इसी गांव के अंदर यही वो शख्स हैं जो किस्सा बता चुके हैं कि बंटवारे के 25 साल के बाद कौन सी वो दरगाह थी जहाँ हम शेख जी साहब शेख जी साहब वहाँ से किसी ने कोई पूरा ख़जाना निकाला था और वो लेके गया था और वो आदमी यहाँ पे पंद्रह बीस दिन तीस दिन रहा जिसे किसी ने कोई कुछ नहीं कहा तो अब उसी प्यार मोहब्बत को लोग तरस रहे हैं जो कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है तो जनाब जैसा हो मर्जी हो लेकिन सैतालीस की जो वो हैं ना वो कभी कभी कुरेदने में सुकून भी मिल जाता है शुक्रिया